हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज की वीडियो में हम पांच इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब समझने वाले हैं, और ये पांच वर्ड्स हैं बिट, ब्लैक, ब्लू, ब्लड और बॉडी। इन पांच वर्ड्स का हिंदी में मतलब समझने के बाद हम उनको एग्जांपल सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, इससे आपको उसका प्रैक्टिकल यूज़ पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इन पांच वर्ड्स के हिंदी में मतलब को समझना। तो फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है बिट। बिट का हिंदी में मतलब होता है थोड़ा। तो अगर आपको थोड़ा ऐसा कुछ अगर इंग्लिश में बोलना हो तो वहाँ पर आप बिट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, कैन यू हेल्प मी अ लिटिल बिट, इसका मतलब क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही हैड अ बिट ऑफ गुड लक, मतलब उसके पास थोड़ा सा सौभाग्य था। तीसरा एग्जाम्पल, ही इज अ बिट ड्रंक, इसका मतलब वो थोड़ा नशे में है या उसने थोड़ा पिया है। चौथा एग्जाम्पल, आई वॉज अ बिट लेट, इसका मतलब मुझे थोड़ी देर हो गई। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, टॉम इज अ बिट शाय, इसका मतलब टॉम थोड़ा शर्मीला है। फ्रेंड्स, बिट शब्द का एक दूसरा भी मतलब होता है और वो होता है काटना। ये बाइट शब्द का भूतकाल होता है, यानी अगर आपको भूतकाल में बोलना है कि उसने मुझे काटा तो वहाँ पर आप बिट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बिट का वैसे मतलब होता है काटा। आइए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अ डॉग बिट मी, इसका मतलब मुझे एक कुत्ते ने काटा। दूसरा एग्जाम्पल, आई बिट माई लिप, मतलब मैंने अपने होंठ काट लिए। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाला है वो है ब्लैक। ब्लैक का हिंदी में मतलब होता है काला। तो अगर आपको काला ऐसा कोई शब्द इंग्लिश में बोलना हो तो वहाँ पर आप ब्लैक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्रोस आर जनरली ब्लैक, मतलब कौवे आम तौर पर काले होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ ब्लैक पेन, मतलब मुझे एक काली कलम या मुझे एक काली पेन चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल, ही वोर अ ब्लैक शर्ट, यानी उन्होंने एक काली शर्ट पहनी थी। चौथा एग्जाम्पल, डू यू लाइक ब्लैक कैट्स, मतलब क्या आपको काली बिल्लियां पसंद है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, इज दैट ब्लैक बैग योर्स, मतलब क्या वो काला बैग तुम्हारा है। फ्रेंड्स, ब्लैक शब्द का दूसरा भी एक मतलब होता है और वो है जो गैर कानूनी तौर पर बिकता है। तो अगर कोई चीज गैर कानूनी तौर पर बिकता हो तो उसे हम ब्लैक में बिकना ऐसे कहते हैं। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेल्स मूवी टिकट्स इन ब्लैक, इसका मतलब वह ब्लैक में मूवी टिकट्स बेचता है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है ब्लड। ब्लड का हिंदी में मतलब होता है खून या रक्त। तो आपको खून या रक्त ऐसा कुछ अगर इंग्लिश में बोलना हो तो वहाँ पर आप ब्लड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, वी ऑफन डोनेट ब्लड, मतलब हम अक्सर रक्तदान करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम हिज फिंगर, इसका मतलब उसकी उंगली से खून निकल रहा था। तीसरा एग्जाम्पल, ब्लड इज थिकर देन वाटर, मतलब खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। और उसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, आई डिडंट डोनेट ब्लड, मतलब मैंने रक्तदान नहीं किया। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है ब्लू। ब्लू का हिंदी में मतलब होता है नीला। आइए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई वांट अ ब्लू पेन, मतलब मुझे एक नीली पेन चाहिए। दूसरा एग्जांपल, ही पुट ऑन अ ब्लू जैकेट, मतलब उसने एक नीली जैकेट पहन ली। तीसरा एग्जांपल, आई हैव ब्लू आईज, यानी मेरी आंखें नीली है। और उसका चौथा एग्जांपल, टॉम ओन्स अ ब्लू कार, यानी टॉम के पास एक नीली कार है। फ्रेंड्स, ब्लू शब्द का एक दूसरा ही मतलब होता है और वो होता है उदास होना। तो अगर आपको इंग्लिश में उदास ऐसा कोई शब्द बोलना तो वहाँ पर आप ब्लू शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई फील ब्लू, इसका मतलब मैं बहुत दुखी हूँ। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है बॉडी। बॉडी का हिंदी में मतलब होता है शरीर। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है शरीर तो वहाँ पर आप बॉडी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ हेल्दी माइंड रेस्ट इन अ हेल्दी बॉडी, इसका मतलब एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में रहता है। दूसरा एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब मानव शरीर बहुत जटिल है। तीसरा एग्जाम्पल, हिज बॉडी इज स्ट्रॉन्ग, यानी उसका शरीर मजबूत है। और उसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, माई होल बॉडी इज सोर, यानी मेरा पूरा शरीर दुख रहा है।
फ्रेंड्स बॉडी शब्द का एक दूसरा मतलब भी होता है और वो होता है संस्था। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कोई संस्था के बारे में तो वहां पर आप बॉडी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्निंग बॉडी मेक्स ऑल डिसीजंस, मतलब शासी निकाय सारा निर्णय लेती है। फ्रेंड्स ये तो थे इन पांच शब्दों का हिंदी में मतलब और उसके सेंटेंसेस। अब थोड़ा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब आपको इस सेंटेंस के अंदर जो पांच शब्द इस वीडियो में कहे गए उसमें से एक यहाँ पर रखना है और जो पांच विकल्प है वो ऊपर दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, यू शुड टेक केयर ऑफ योर डैश बिकॉज यू हैव बिकम वेरी थिन, यानी तुम्हें अपने डैश का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम बहुत पतले हो गए हो। तो यहाँ पर आएगा बॉडी, यू शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज यू हैव बिकम वेरी थिन। दूसरा एग्जाम्पल, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ डैश इन द ऑपरेशन, मैंने ऑपरेशन में बहुत डैश खोया। तो यहाँ पर आएगा ब्लड, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड इन द ऑपरेशन। तीसरा एग्जाम्पल, कैन आई रेस्ट अ डैश, यानी क्या मैं डैश आराम कर सकता हूँ। तो यहाँ शब्द लगेगा बिट, तो उसका आंसर है कैन आई रेस्ट अ बिट। चौथा एग्जाम्पल, ही सेल्स क्लोथ्स इन डैश विच इज अगेंस्ट लॉ, मतलब वो कपड़े डैश में बेचता है जो कानून के खिलाफ है। तो यहाँ शब्द लगेगा ब्लैक, ही सेल्स क्लोथ्स इन ब्लैक विच इज अगेंस्ट लॉ। अगला एग्जाम्पल, वॉट इज योर डैश टाइप, पेशेंट नीड्स दैट टाइप, यानी आपका डैश टाइप क्या है, मरीज को उस टाइप के डैश की जरूरत है। तो यहाँ पर शब्द लगेगा ब्लड, What is your blood type? Patient needs that blood type. अगला example, there are 5 people in the governing dash. यानी शासी डैश में 5 लोग हैं। तो यहाँ शब्द लगेगा body. There are 5 people in the governing body. अगला example, I was feeling a little dash because of my low marks in the exam. परीक्षा में कम मार्क्स आने की वजह से मैं थोड़ा डैश महसूस कर रहा था। तो यहाँ शब्द लगेगा blue. I was feeling a little blue because of my low marks in the exam. अगला एग्जाम्पल, आई एम अ डैश बिजी, मैं डैश बिजी हूँ। तो यहाँ पर वर्ड लगेगा आई एम अ बिट बिजी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अगला एग्जाम्पल, ही ऑफन मेक्स डैश डोनेशन, यानी वह अक्सर डैश दान करते हैं। तो यहाँ शब्द लगेगा रक्त, ही ऑफन मेक्स ब्लड डोनेशन, वह अक्सर रक्तदान करते हैं। इसका लास्ट एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी अ लिटिल डैश ऑफ वाटर, यानी क्या आप मुझे डैश पानी दे सकते हैं। तो यहाँ शब्द लगेगा थोड़े, थोड़े का इंग्लिश होता है बिट। कैन यू गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने पांच इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब देखा। ये पांच वर्ड्स है बिट, ब्लैक, ब्लू, ब्लड, बॉडी। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और नीचे आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस वीडियो को कैसे और इम्प्रूव किया जाए। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूं तब तब आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।